जुड़े रहें NN वार्ता के साथ। नमस्कार, करदम करबियांगलोंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डीजे ड्रोहा और आप देख रहे हैं NN वार्ता करबियांगलोंग नॉर्थ ईस्ट। बिस्किट बना जहरीला, बिस्किट्स के खाने से एक की मौत, 29 गंभीर हालत में। बोकुलिया घाट पर भी माँ दुर्गा का विसर्जन, भारी तादाद में लोग। रिलीफ क्षेत्र में जेम्स फांगचो की मदद से बनाया सड़क। पारोखवा से देनगांव के राजपथ पर भयानक सड़क दुर्घटना। हावराघाट में बाइक चालक का दुर्घटना स्थल पर ही मौत। क्या बिस्किट्स खाने पर किसी की मौत हो सकती है? जी हाँ, आपने सही सुना, ये सच में हुआ है। बिस्किट्स खाने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई है। बाकी 29 लोगों की हालत बुरी तरह खराब है अस्पतालों में बिस्किट्स खाने से। हुआ यूं, कल 15 अक्टूबर 25 निलिव एमएससी चुनाव क्षेत्र के चोकीहोला थाने के अंतर्गत कोयलामाती क्षेत्र के रिसाक हिदी आरलों पीरा सातोगी गांव में एक मृतक के घर से शोक सभा में कई लोगों द्वारा बिस्किट्स ले जाकर इकट्ठा हुआ। उसी इकट्ठे बिस्किट्स में से काटा मेरी 2020 जैसे बिस्किट्स मेहमानों को चाय के साथ दिया गया था। खबर के मुताबिक बिस्किट्स में से साबुन चप्पल जैसे गंध आ रही थी। इसी गांव की एक 8 साल की बच्ची श्री विद्या तरंग और श्रीमती शांति किलिंगपी के 3 बच्चों में से दूसरी संतान थी माहुन तेरंगपी। शोक समारोह में बिस्किट्स खाने के पश्चात घर पहुंचकर उल्टियां और शौच करने लगी। अस्पताल ले जाने से पहले ही कल शाम बच्ची की मौत हो गई। गांव के मुखिया ने कहा कि इस तरह लापरवाह फैक्ट्रीज को बंद करना जरूरी है और कानूनी कार्रवाई कर सजा दिलाना बेहद जरूरी है। खबर के मुताबिक 29 लोग फूड पॉइजनिंग के केस में डीफू, डिमापुर, पुकाजान जैसे अस्पतालों में भर्ती है चिकित्सा के लिए। चौकीहोला थाने के आईसी भद्रकांत बोरा ने कहा कि फूड पॉइजनिंग के सही तथ्य के लिए बच्ची के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। निलिप से मोसिस तेरन का यह रिपोर्ट। মৃতক অবস্থাত আমি পাওঁ সেইমতে তেওঁ চাই মেলি লৈ বিহিত ব্যৱস্থাৰ কাৰণে পি এম ৰিপৰ্টৰ কাৰণে আমি আমি হেৰিয়া ডিফুলৈ পঠাবৰ কাৰণে তেনেকৈ ডেডবডি ভানত আমি পঠাই দিওঁ। বাকীখিনি ইয়াতে সোধপোছ কৰিবৰ কাৰণে, কেশৰ বিষয়ে সোধপোছ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে বৰ্তমান চলি আছে সোধপোছটো। ইমান তোমাহেন তেনেকৈ চুনিলে বাংকে ইনকোৱাৰী পৰা দোষী লাচোৱা দোকান ফাংচ আমি মানে চোদাক পেন মানে नौ दिनों तक माँ दुर्गा की विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद 10वें दिन मां दुर्गा के मूर्ति का विसर्जन किया गया। कल बोकुलिया घाट में भी हजारों के तादाद में कल बोकुलिया घाट के मां दुर्गा के विसर्जन में लोग शामिल रहे। पच्चीस निलिप एमएससी चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत गांव के मुखिया समेत सभी जनता मिलकर तारापुंग से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर हायथा पहाड़ पर रास्ते बनाए गए। तारापुंग के जनता के मुताबिक हायथा पहाड़ उनके लिए ये सबसे अधिक कठिन मार्ग है आने जाने के लिए।
तारापुंग के जनता श्री जेम्स फांगचो को रास्ते बनाने की मदद के लिए दरख्वास्त किया था कुछ दिन पूर्व। वादे के मुताबिक उन्होंने ये कर दिखाया। तारापुंग के जनता कहते हैं कि ये श्री जेम्स फांगचो के इस नेक दिली के लिए आभारी है और वे आने वाले दिनों में उनके साथ खड़े रहेंगे। निलिप से मोसेस तेरोन का ये रिपोर्ट। एक मिनी ट्रक को कंटेनर्स लोडिंग ट्रक के टक्कर से एक की दुर्घटना स्थल पर ही मौत। पारोखवा आउटपोस्ट के अंतर्गत पारोखवा बाजार और देनगांव के बीच के राजपथ NH-36 रिसो रोंपी गांव के नज़दीक एक LP कंटेनर्स लोडिंग ट्रक जो डिफू से नौगांव की ओर जा रही थी फुल स्पीड गलत दिशा में और मिनी ट्रक अपने घर की ओर जा रही थी रिसो रोंपी गांव की ओर गलत दिशा से ट्रक चलाने के कारण आमने सामने से टक्कर के वजह से मिनी ट्रक में मौजूद धौरम तेरोन नाम के व्यक्ति की वही मौत हो गई। 108 तत्कालीन एम्बुलेंस सेवा बुलवाया गया पर तब तक उन्होंने जांच कर बताया कि व्यक्ति की मौत हो चुकी है। देनगांव से जेम्स मिले का यह रिपोर्ट। LP কন্টেইনার ট্রাক আর এটা টাটা মেজিকর মজব আর টাটা মেজিকর ড্রাইভার টু মরিছে বলে খবর পাইছো লগে আমি আহিলু আহি পেলে দেখিলু যে টাটা মেজিকর ড্রাইভার টু কি বিক্রম তেরন নাকি ধরম তেরন নাকি রিসর অঙ্কিত গাঁওতে ঘর এ ভিতর সময় আসলে তারপর আমি উলাই আনিলু তারপর 108 মাতিছিল 108 মানে মানুষকেইটা কইছে নাই মানুষজন ঢুকাল গতিকে ফার্দার পলিটি যদি করব লাগে ল আমি করে আছো ঠিক আছে। कार्बी आंगलोंग में दुर्गा पूजा साथ ही जोनल कार्बी यूथ फेस्टिवल फुल ऑफ एंजॉयमेंट। पर क्या एंजॉयमेंट के चलते इस जोश में आप यमदेव को ही निमंत्रण भेज देंगे क्योंकि देखिए किस तरह लटके हैं बाइक के ऊपर ही। इस उत्सव के चलते युवक इस कदर पागलों की तरह बाइक चलाते हैं जैसे रेस में गोल्ड ले आएंगे। खबर के मुताबिक इस सड़क हादसे में प्राण गंवाए लड़के का नाम सुमित बाकलाड़ी बताया जा रहा है। ये तस्वीर सिर्फ हम हावड़ाघाट की बता रहे हैं लेकिन कई जगहों पर इन दिनों इसी तरह का दुर्घटना एक से एक हो रहे हैं। जोश में होश ना खोए। न्यूज डेस्क मिलते ही नई खबरों के साथ देखते रहिए NN वार्ता कर भी हूँ नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में कार्बी आंगलों की ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें कुरुर वांगथू।